आज हमारा 4 सितंबर, पिछले 24 घंटा का जो रेनफॉल रिपोर्ट मिला है इसमें विशाखा डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ जगह में एक दो जगह करके ही थंडरस्टॉर्म के साथ रेनफॉल हुआ है। हमारा हाईएस्ट रेनफॉल हुआ है भवानीपटना कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में है 37.8 मिलीमीटर, लामकपुर 37.2, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है, कोरागांव 33.2, नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, जोधा 23.8, गोंधागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, नवरंगपुर 21.2, नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इस तरह से कुछ एक दो जगह करके ही हल्का से मध्यम बारिश हुआ है थंडरस्टॉर्म का साथ। अभी हमारा सीजनल पैटर्न जो है, अभी रेनफॉल वीक अभी मॉनसून वीक ही है, बट इसमें अभी सीजनल पैटर्न जो अभी है 1 जून से 4 सितंबर तक 1013.1 मिलीमीटर बारिश हुआ है टोटल, 964.7 मिलीमीटर स्वाभाविक होता है इस समय तक, तो 5% स्वाभाविक से ज़्यादा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है 28 डिस्ट्रिक्ट में नॉर्मल और एक्सेस, 5 डिस्ट्रिक्ट में एक्सेस, 23 डिस्ट्रिक्ट में स्वाभाविक हुआ है, 5 जिला में जो एक्सेस स्वाभाविक से 20% और मोर बारिश हुआ है वो देवगढ़, देंगुल, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, मालकानगिरी। अभी तक हमारा जो बारिश का रिपोर्ट है इसमें मालकानगिरी में हाईएस्ट बारिश हुआ है और उसके बाद झारसुगुड़ा, देवगढ़, अंगुल, सुंदरगढ़ ये सब है। अभी हमारा डेफिशिएंट कैटेगरी में 2 डिस्ट्रिक्ट्स है बट ये मार्जिनली है, 23% खुर्दा में, 21% गजपति में। और अभी जो मेटेरोलॉजिकल सिचुएशन है इसमें हमारा मॉनसून ट्रफ जो सीजनल ट्रफ होता है राजस्थान से मणिपुर तक जा रहा है, बट ये हमारा नॉर्थवर्ड स्वाभाविक स्थानों से नॉर्थवर्ड लोकेशंस में है। भी हमारा रीजन में बिहार, वेस्ट बंगाल एंड देन नॉर्थ ईस्ट जा रहा है नॉर्थ ईस्टर्न का स्टेट पर, तो इसलिए उड़ीसा में अभी वीक मॉनसून कंडीशन प्रिवेल करने का चांसेस है। तो अगला 2-3 दिन के लिए एक दो जगह करके कुछ कुछ जगह में बारिश थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ होने का संभावना है, ज़्यादा बारिश का संभावना नहीं है, अभी बारिश कम रहेगा 2-3 दिन तक। 2-3 दिन का बाद थोड़ा सा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी इंक्रीज होने का चांसेस है, मेनली थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगा। और 6 तारीख में साउथ उड़ीसा का मालकानगिरी, कोरापुट, गजपति, नवरंगपुर ये सब डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ज़्यादा होने का वजह से एक दो जगह में हेवी रेनफॉल हो सकता है। और 8 तारीख में फिर भी 8 तारीख में थोड़ा सा उड़ीसा का सभी डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश का चांसेस है, मेनी प्लेसेस में कोई स्थानों पर होने का चांसेस है। यही है, फिर अगला 2-3 दिन में ज़्यादा बारिश का चांसेस नहीं है, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होगा लोकली और एक दो जगह करके बारिश होने का चांसेस है। नेक्स्ट 24 आवर्स को हमने जो दिया है इसमें मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कालाहांडी, नोआपरा, कंधमाल, केउंझर, मयूरभंज ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में थोड़ा सा थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी ज़्यादा होने का चांसेस है, ज़्यादा मीन्स एक दो जगह करके ही होगा बट इसमें इंटेंसिटी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ ही एक दो जगह करके बारिश होगा, ज़्यादा बारिश अभी नहीं है, अभी मॉनसून वीक कंडीशन ही रहेगा, स्वाभाविक से कम बारिश ही होगा। और खुर्द हमारा भुवनेश्वर एंड कटको जो दोनों कैपिटल सिटी एरिया है इसमें पार्टली क्लाउड स्काई रहेगा, और थंडरी एक्टिविटी हो सकता है कुछ कुछ एरिया में, बट इसमें रेनफॉल का चांसेस कम ही है, थंडरी एक्टिविटी का चांसेस है, मीन्स थंडर स्टॉर्म का ही चांसेस है, एक कुछ कुछ एरिया में लाइटनिंग हो सकता है। और अभी हमारा मॉनसून जैसा पहले होता मॉनसून वीक कंडीशन ही रहेगा, स्वाभाविक से कम ही बारिश रहेगा अगला 2-3 दिन तक। और टेम्परेचर अभी पार्टली क्लाउड स्काई रहेगा मोस्ट ऑफ द जगह में, तो टेम्परेचर स्वाभाविक से 2-3 डिग्री ज़्यादा रहेगा, तो ह्यूमिडिटी का वजह से थोड़ा सा डे टाइम में अनइजी फील होगा होने का चांसेस है। ओके।